Suppose anybody asks you that what is the perimeter of a triangle, then you should define that perimeter means sum of the length of outer boundary. So sum of the length of outer boundary means perimeter of the triangle. Now come to the point that how we apply the Heron's formula. See here, let A, B and C denote the length of the sides of a triangle ABC. ABC एक triangle है जिसमें A, B and C denote कर रहा है sides of the triangle को. हमें step by step क्या करना है उस चीज़ को मैंने यहाँ पे mention किया है. First step, we should find semi perimeter of the triangle. इस triangle का हम लोग semi perimeter करेंगे. सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि हमें पता है कि पेरीमीटर का जो हाफ होता है उसे ही हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं. सेमी पेरीमीटर को डिनोट करने के लिए हम लोग एस का यूज़ करते हैं. एस डिनोट द सेमी पेरीमीटर. देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी शुड कैलकुलेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. यहाँ पे हम लोगों ने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सेकेंड स्टेप में. थर्ड स्टेप में हमारा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट. इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. Now some numerical based on this type of method. Here I have taken a question that find the area of a triangle whose sides are 13 cm.